सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं, गर्मी का जैसे आपको पता है सीज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मेरे घर के पास में ही एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, आज मैं आपको वहां पे लेके चलूंगा, थोड़ी सी मस्ती भी करेंगे, बच्चा पार्टी भी साथ में है। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सो गाइज, अभी आप देख सकते हो शाम का टाइम है, लगभग 7 बजने वाले हैं, तो अभी थोड़ा लेट हो गए हैं, बट फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे आपको वहाँ पे लेके जाने की। आप वीडियो में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं बदरोन पुल पे, आप देख सकते हैं बहुत पुराना पुल है ये और काफ़ी सारे विलेजेस को ये जोड़ता है आपस में। अभी लगभग कोई 5 से 7 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे। गाइस, ये वाला एरिया जो है थोड़ा डेंजर एरिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, शेर वगैरह तो यहाँ पे अक्सर निकलता है, इसलिए हम यहाँ से थोड़ा सा जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। गाइस, अभी हम चल रहे हैं सील बंडास वाली रोड पे और यहाँ पे हमें एक बहुत ही पुराने दोस्त मिल गए हैं, तो थोड़ा हम इनसे मिल लेते हैं इनको। सो गाइस, अभी हम चल रहे हैं, ये रोड जो है ये जा रही है ऊपर सील बंडास वाली साइड, बट दोस्तों हम ऊपर सील बंडास नहीं जाएंगे, हम यहीं पे आपको दिखाएंगे कि देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। अभी हम भी यहाँ पे गाड़ी को पार्क करेंगे। सो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं राई में, जहाँ पे पार्क है। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ से रोड भी है बट कच्ची, अभी पत्थर ही पत्थर है यहाँ पे, यहाँ पे गाड़ी लाना मुश्किल थी, इसीलिए हमने गाड़ी को थोड़ा ऊपर पार्क किया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्मी के मौसम पे यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, बहुत सारे जो यहाँ पे टूरिस्ट है यहाँ पे विजिट करते हैं। और अभी आप देखें यहाँ पे पानी जो है, पानी में कुछ लोग नहाते भी यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे नहाने के लिए, स्विमिंग करने के लिए काफी अच्छी जगह है। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहाड़ी इलाका और पत्थर ही पत्थर है यहाँ पे। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो रोड की हालत कैसी है यहाँ से, अभी हमें पैदल मार्च करना होगा यहाँ से, क्योंकि गाड़ी तो यहाँ पे आ नहीं सकती है। अभी पार्क जो है थोड़ी सी ऊपर है, तो गाइज आप वीडियो में बने रहे हैं और अभी हम आपको पार्क में लेके चलेंगे, तो यहाँ से हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कुछ लोग ऊपर से होके आ रहे हैं। गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो शेर वगैरह भी रात को होते हैं यहाँ पे, हम काफ़ी लेट आए हैं, उस चीज़ का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जल्दी निकलना पड़ेगा वापस।
तो गाइस इस पत्थर के बारे में मैं आपको बताऊं, इस पत्थर में पत्थर के नीचे अमूमन जो है शेर जो है वो होते हैं। बहुत ही बड़ा पत्थर है ये, इसके नीचे एक गुफा है, उसी गुफा में बहुत सारे शेर हैं, बट वो रात के लिए निकलते हैं। अभी हम थोड़ा जल्दी जल्दी वापस आने की कोशिश करेंगे, काफ़ी घना जंगल है यहाँ से। सो गाइज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे हमारा एक जिसको हम अपनी देशी भाषा में घराट भी बोलते हैं, यहाँ पे घराट भी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पुराने टाइम में यहाँ पे कैसे जो है आटा निकाला जाता था। मैं आपको लेके आऊँगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो घराट है ये कैसे चलता है पानी से। सो गाइज यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, बट मैं तब भी आपको कोशिश करूँगा इसको दिखाने की। ये आप देख सकते हैं इतनी सी जगह है और कैसे यहाँ पे चक्की जो है ये लगाई गई है। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, मक्की डालो, गेहूँ डालो, कुछ भी डालो, यहाँ से ये पानी के साथ चलती है। और पुराने टाइम में इसी से आटा वगैरह निकाला जाता था। ये आप देख सकते हैं गाइज ये जो है ये पत्थर जो मूव करता है पानी से, जब इसको पानी पीछे से लगाया जाता है तो ये पत्थर जो है ये आगे काम करता है। सो गाइज ये पुराने टाइम का यहाँ पे बना हुआ है, अभी भी लोग इसको, कुछ लोग इसको यूज में लाते हैं। छोटे डॉन भी हैं, ये भी आए हुए हैं हमारे साथ आज यहाँ पे पिकनिक मनाने। उनको भी गर्मी लग रही थी, ये भी बोलने लगे कि इन्होंने आज 7-8 दिनों से नहाया नहीं है, मगर गर्मी इनको बहुत लग रही है। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद आज ये नहाएंगे और अपनी गर्मी को यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। सो गाइज आप वीडियो में बने रहे, अभी हम आपको दिखाएंगे कि छोटा डॉन कैसे नहाता है। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे वाटरफॉल है। अभी गाइज ये उतनी डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुई है क्योंकि अभी यहाँ पे गवर्नमेंट का उतना फोकस नहीं है, बट कुछ ही दिनों में आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट होने वाली है और एक ये बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट बनने वाला है। हम उस टाइम भी आपको दिखाएंगे और आज भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह का यहाँ पे व्यू है। तो लगभग हम पहुँच गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं पार्क में बैठे हुए हैं, इवनिंग को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर हट जो है वो बनाए हुए हैं, तो अभी यहाँ पे बैठने के लिए भी अच्छी जगह है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे जो है खेलते हुए, और पानी के किनारे से यहाँ पे पार्क जो है ये बनाई हुई है। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, खेलने के लिए भी अच्छा है। अभी थोड़ी सी डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है, अभी बहुत सारी डेवलपमेंट यहाँ पे होने वाली है। आप देख सकते हैं ये लाइटिंग का भी यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट है, हर एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखा हुआ है। हम थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे आपको। यहाँ पे पानी जो है आप देख सकते हैं किस तरह से रोका हुआ है, ये सारा अरेंजमेंट जो है ये नहाने के लिए किया गया है। यहाँ पे लोग आके नहाते हैं, इसीलिए पानी को यहाँ पे रोका गया है पत्थर के साथ। और आप यहाँ का व्यू देख सकते हो कितना बढ़िया व्यू है, यहाँ पे बहुत सारे लोग दिन के टाइम में होते हैं, अभी भी हैं, और गर्मी का सीज़न में यहाँ पे मोस्टली लोग विजिट करते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी मौसम जो है बहुत ठंडा है। बहुत मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पे आके। सो गाइज आपको सामने दिख रहा होगा हट, अभी हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से भी आपको दिखाएंगे। ये पूरा एरिया जो है पार्क के अंडर है, बट अभी यहाँ पे थोड़ी सी डेवलपमेंट की कमी है और पूरी कोशिश की जा रही है इसको जल्दी से जल्दी पार्क को तैयार करने की। रास्ता बहुत ही टफ है यहाँ पे,
पत्थर ही पत्थर हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं बहुत ही बढ़िया पिकनिक स्पॉट पे। तो गाइस आप भी आए यहाँ पे, बट एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे खाने पीने का अरेंजमेंट नहीं है। खाना वगैरह आपको, स्नैक्स वगैरह आपको घर से साथ में लेके आना पड़ेगा, और डोडा से हार्डली कोई 15 किलोमीटर की दूरी पे होगा। और आप यहाँ पे आएँ और अपने गर्मियों के सीज़न को इंजॉय कर सकते हैं। पाँच यहाँ पे नहाने के लिए भी सारा सिस्टम है, आप देख सकते हो बच्चे भी यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे हैं। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ पे डर भी लग रहा है क्योंकि जगह जो है काफी ज्यादा डरावनी है, पत्थर ही पत्थर है यहाँ पे। थोड़ा उस चीज का भी ध्यान रखना, जब भी आए तो दिन के टाइम में आए, रात के टाइम पे यहाँ पे ना आए क्योंकि यहाँ पे जानवर भी निकलते हैं जो किसी भी टाइम किसी का भी एनकाउंटर कर सकते हैं, तो इसीलिए उस चीज़ का भी खास ध्यान रखें। आप देख सकते हैं सामने कितना जंगल है। अभी हम यहाँ से वापस निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, लेट हो गए हैं, तो यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं है। सो गाइज अभी हमने आपको इस वीडियो में एक और गुफा दिखानी थी जो कि उधर पीछे है, बट काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है, अभी वहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत झरना है यहाँ पे, आप देख सकते हो ऊपर जाके यहाँ से फुल एंजॉय कर सकते हो आप। सो गाइस अभी हम वापस निकल रहे हैं यहाँ। गाइज आप देख सकते हैं रोड बिल्कुल सिंगल है और कुछ जगह पे तो खराब ही है रोड। जब भी आए गाइज आप ऊपर, यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा ऊपर वाली जो रोड है, यहाँ से सामने आपको दिख रही है ये शाही रोड है, शाही को कनेक्ट करती है, बट बहुत ही डेंजर रोड है। गाइज अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने टर्न कहाँ से लिया था, जो बबोर वाली रोड है वहां से कौन सी जगह से हमने टर्न लिया था। तो ये वो जगह है जहां से आपने इस रोड के लिए टर्न लेना है, यहां से आपने टर्न लेना है और यहां से कोई 2-3 किलोमीटर की दूरी पे ये स्पॉट आपको मिल जाएगा। सो गाइज ये वो जगह है जहाँ पे 2-4 महीने पहले एक शेर ने दिन दहाड़े एक गधे को उठा लिया था, तो यहाँ पे शेरों का काफ़ी ज़्यादा खतरा है, बच के निकलना पड़ता है यहाँ से क्योंकि यहाँ पे काफ़ी घना जंगल है और अमूमन यहाँ पे शेर जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं वापस बदरून पुल पे। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्कशॉप भी है। सो गाइज अभी हमें इमरजेंसी कॉल आ गई हमारे एक सब्सक्राइबर की, जो हमें पिछली वीडियो में हमें बदरवा भी मिले थे, तो गाइज अभी हम उनको लेने जा रहे हैं क्योंकि वो अभी बदरवा से आए हैं तो काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो अभी हम वहाँ पे अब उनको लाने जा रहे हैं। तो गाइज अभी आप वीडियो में बने रहे हैं। सो गाइज अभी हम चलते हैं डोडा की ओर और मिलते हैं